दीदी स्मृति ईरानी जिस प्रकार अमेठी संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए तत्पर रहती हैं, उसी क्रम में 19 नवंबर को दीदी स्मृति ईरानी के साथ कुल 8 मंत्री और भी आ रहे हैं विभिन्न विभागों के, और उसमें से सबसे पहला कार्यक्रम है जो दिव्यांगजनों को उपकरण का वितरण वो करेंगी, रोजगार मेला लगेगा, केशव मौर्य जी आ रहे हैं उनके साथ में, कई सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण होना है, पिपरी बांध के लिए सिंचाई मंत्री जी आ रहे हैं औलख साहब, वो उसका लोकार्पण करेंगे, पिपरी बांध बन के तैयार हो गया है। इसी प्रकार से अन्य कई परियोजनाओं का जिसमें पीएचसी सैठा जेठूमवई पीएचसी उसका भी उसी दिन लोकार्पण होगा, बनके दोनों पीएचसी तैयार हैं। इस प्रकार से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं कुल मिलाकर के लगभग 80 करोड़ की परियोजनाओं के लिए हमारे कई मंत्री आ रहे हैं, जिसमें श्रीकांत शर्मा जी बिजली मंत्री भी शामिल हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी केंद्र सरकार से यहाँ पधार रहे हैं। इस प्रकार से दीदी स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार अमेठी संसदीय क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जुड़ने जा रहा है 19 तारीख को। हमारे देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का अमेठी आना, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, न यहाँ वो लगाव में आती है। हमने तो बार बार आप सबसे कहा कि वो मोदी जी के दबाव में आती है, अमेठी किसी लगाव में नहीं आती है, न यहाँ के प्रति उनके अंदर कोई संवेदनशीलता है। यदि अमेठी की जनता के प्रति प्रेम होता, स्नेह होता, तो अगर कोई भी एक काम बता दें जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो 2014 में और उद्घाटन किया हो, आज उन कामों को जो यूपीए सरकार में हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार ने राहुल जी के प्रस्ताव पर यहाँ पर जो भी योजनाएँ लागू की, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएँ बनी, उसको इनको इन्होंने रोकने का काम किया, और जो बन चुकी थी उसमें केवल 2500 का पत्थर लगाने के लिए इनके 2500 मंत्री आते थे, ये काम किया।